नमस्कार, ग्रेड ए का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर पढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गणपति बाजार इंडस्ट्री में करंट के चपेट में आने से मजदूर हुआ गंभीर रूप से घायल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुंचका का रहने वाला था मजदूर। आजादी के 70 वर्ष बाद भी विकास योजनाओं से महरूम है आदिवासी। गांव में पानी समस्या और बिजली के खंभे, सरकार का चिड़ा नहीं है मुंह। बगोदर पुलिस ने होटल में छापेमारी कर जब्त किया शराब। होटल संचालक पर किया मामला दर्ज। और लॉकडाउन 3 में भी जरूरतमंदों तक राशन वितरण जारी। भाजपा नेता चुनु कांत ने जरूरतमंदों के बीच बांटा राशन। अब खबरें विस्तार से। अजेडे स्थित गणपति वायर इंडस्ट्री में एक मजदूर करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर को इलाज के लिए बोकारो भेज दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अजीडी स्थित गणपति वायर इंडस्ट्री में लापरवाही के कारण एक मजदूर बिजली करंट के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर मोहम्मद शहजादा चुजका का रहने वाला है। घटना के बाद मजदूर को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए बोकारो रेफर कर दिया गया। फिलहाल बोकारो के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बगोदर थाना क्षेत्र के मंझलाडी स्थित होटल में पुलिस ने छापेमारी कर अंग्रेजी और महुआ शराब जब्त किया है। पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बगोदर थाना क्षेत्र के मंझलाडी स्थित एक होटल में लॉकडाउन में ग्राहकों को अंग्रेजी और महुआ शराब परोसी जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही बगोदर थाना प्रभारी ने होटल में छापेमारी कर अंग्रेजी शराब की कई बोतलों और 20 लीटर महुआ शराब जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान होटल संचालक सोहन साव भागने में सफल रहा। इस बाबत बगोदर थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसको जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बीते रात्रि बगोदर पुलिस को सूचना मिली कि मंझलाडी में एक होटल में देसी शराब और विदेशी शराब का बेचा जा रहा है एवं वहीं बैठे पिलाया जा रहा है। इस सूचना पर हम लोग विधिवत छापामारी किए और वहां से 20 लीटर महुआ दारू और कुछ अंग्रेजी दारू की बोतलें एवं डीप फ्रीजर को सीज किया गया है। हम लोग अभियुक्त सोहन साव के ऊपर FIR कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। गांव थाना में बैठक कर दो गुटों के बीच विवाद को खत्म करवाया गया। प्रशासन ने सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील किया है। गांव थाना क्षेत्र के मंझने गांव में बीते रात दो गुटों में उत्पन्न विवाद के बाद गांव में तनाव का माहौल था। शनिवार को प्रशासन और बुद्धिजीवियों के प्रयास के बाद मामला को आपसी सौहार्द से समझौता करवा दिया गया। गांव थाना परिसर में SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह और SDPO नवीन कुमार सिंह ने दो गुटों के बीच समझौता करवा कर विवाद को खत्म करवा दिया गया। इस दौरान प्रशासन ने सभी लोगों को आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। गौरतलब है कि बीते रात नशे में धुत एक व्यक्ति के साथ एक समुदाय विशेष द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद से गांव में तनाव का माहौल था। नवाडी आदमी को छोड़ने के लिए तो इधर जाते टाइम मदनी था, वहाँ 20-25 आदमी लेके खड़ा। तो रंजीत यादव को बोला कि तुम बाहर से आया है, तुमको करोना है, चलो हम लेके जाते हैं इलाज करने के लिए। तो रंजीत यादव बोला कि नहीं, हम इलाज तो हर जगह करा लिए। यदि वैसा बात है तो सबको मेरा पापा फोन कर दिया, मुखिया तुखिया सबको फोन किया, जैसे वैसा बात होगा तो हमको लेके जाएगा, फिर हम करा लेंगे। लेकिन उन लोग माना नहीं, पकड़ने लगा, बोल बैठो हम लेके जाते हैं। उसके बाद हो गया थोड़ा, ये बोला वही बात, तो उन लोग बोला नहीं मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेके जेबे करेंगे। उसी में इसको अंदर घुसाने लगा घर की तरफ। तो इधर से गया गोविंद यादव, तो ये बोला कि भाई जब ऐसा बात है तो ये जब बोल रहा है जाँच करा लेने के लिए तो ये जाँच करा लेगा, तुम लोग मारपीट काहे कर रहा है। इस पर भी मारपीट किया। उसके बाद हम लोग जान बचा के वहाँ से भागे, तगादा करके आ रहे थे और उसके बीच में गाड़ी उससे उतरे तो रंजीत यादव केदार यादव को मार रहा था। तो हम उतर के बोले कि इन लोग को काहे मार रहा है, तो मारने के बाद में हम बोले कि इसका फैसला होगा। उसी वजह से हमारा भी मारपीट किया और मारपीट करने के बाद मेरा पैसा जो था 25,000, वो भी सोना का चैन था, वो भी छीन लिया और मारा सो हम गिर गया। गिरने के बाद में उठ के और भागते भागते रणधीर के दुकान पर घुस गए। घुसने के बाद में लॉकडाउन को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ के सचिव सह भाजपा नेता
चुनुकांत ने जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया और उनसे घरों में रहने की अपील किया। लॉकडाउन 3.0 को देखते हुए गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन के सचिव भाजपा नेता चुन्नूकांत ने शनिवार को जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के लखारी, भंडारीडी, इंदिरा कॉलोनी आदि इलाकों में जाकर चिन्हित जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाया। इस मौके पर चुन्नूकांत ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को घरों में रहने की जरूरत है। लगातार आपके द्वारा पूरे शहर में जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज भी आपने कई ऐसे क्षेत्रों में किया, तो किन किन क्षेत्रों में आपका आज वितरण हुआ सर? नहीं देखिए, हम तो सारे लोगों को कहते हैं, हम कोई वितरण कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, समाज के और सारे लोग कर रहे हैं। और हम सारे लोगों को ये बात कहते हैं कि आप कुछ नहीं करिए तो आप अपने बगल में केवल इस बात का ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह जाए। अनाज के बगैर कोई कहीं नहीं सोए, तो ये सबको देखना है। ऐसे हम लोग सामाजिक जिम्मेवारी के तहत देखते हैं कि जिस इलाके में लगता है कि ऐसे, तो हर इलाके में सभी तरह के लोग हैं, संपन्न लोग हैं, कुछ निर्धन हैं, कुछ अति निर्धन हैं, तो जहाँ हम लोगों को सूचना मिलती है हम लोग वैसे इलाके में डालते हैं। आज हमारे कुछ सहयोगी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो तय किए हैं उसके मुताबिक आज लखारी, 28 नंबर भंडारीडी, मकरपुर, बीबीसी, इंदिरा कॉलोनी, ऐसे इलाके में हम लोग फूड पैकेट दे रहे हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हमारा साथी, कोई भी परिवार भूखा नहीं सोए। इस वैश्विक आपदा में सबको सबका साथ देना है, और इसी के तहत हम लोग ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और कई लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग वैसे बड़े लोगों से, जो लोग इसमें बड़े प्रयास किए हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों तक अपनी जो भाव है वो पहुंचाया जाए। आज हमारे चुन्नूकांत जी, बार एसोसिएशन के सचिव और भाजपा नेता श्री चुन्नूकांत जी के माध्यम से जरूरतमंद के बीच में अनाज का वितरण किया जा रहा है, जिसमें गरीब गुरुओं तक, उनका घर तक अनाज देने की प्रयास की जा रही है। और इसके लिए बात के सचिव श्री चुन्नूकांत जी का आभार व्यक्त करते हैं इस कार्यों के लिए, और आशा व्यक्त करते हैं। इन लोगों तो बहुत लंबावित भी हुए हैं, उम्मीद भी है और आशा भी है। चुन्नू भैया के द्वारा गरीबों को अनाज वितरण किया जा रहा है, ये चुन्नू भैया की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं चुन्नू भैया की प्रशंसा करता हूँ और चुन्नू भैया को नमस्कार करता हूँ कि ऐसा हमेशा, मतलब ये कोरोना वैश्विक जो महामारी में इनका सहयोग हमेशा मिलते रहे गरीबों को। चुन्नू भैया की तरफ से हमेशा सहयोग राशन का हो रहा है गरीब लोग का, ये हमेशा चलते आ रहा है, और हमेशा जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये कार्य चलते रहेगा। चुन्नू भैया के द्वारा से जो है हम लोग को राशन जो है वितरण करने के लिए मिला है, तो हम लोग जितने गरीब परिवार के लोग हैं उन लोगों को बांटना है, सब आए हुए हैं यहाँ पर। डुमरी प्रखंड के पेंडाबांध गांव के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। गांव की महिलाएं झरना के डाढ़ी से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रही है। डुमरी प्रखंड के अतकी पंचायत का पेंडाबांध गांव के सैकड़ों आदिवासी परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। 100 आबादी वाले इस गांव में एक भी चापाकल नहीं है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा आदिवासियों का यह गांव में लोग आजादी के 70 साल बाद भी झरना के डाड़ी से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। कितना दूर से आप पानी लेके जा रहे हैं? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर से? हाँ। क्या डांडी में पानी हमेशा रहता है? हमेशा रहता है, और हम लोग पानी पीने के लिए लेके जाता है इतना आधा किलोमीटर से। सिंचाई में भी काम आती है ये पानी क्या? हाँ। ये जो दिख रहा है पानी बहता हुआ, क्या ये पानी हमेशा बहता है? हाँ, हमेशा बहता है। कितना दूर से पानी लेके जा रहे हैं? आधा किलोमीटर। कहाँ से पानी लेके जा रहे हैं? झरना डाड़ी से। क्या यहाँ पानी हमेशा बहता रहता है? हाँ। गांव से दूर पहाड़ों के बीच 20 वर्ष पहले श्रमदान के जरिए बनाई गई डाढ़ी से महिलाएं पानी लाकर घर की जरूरतें पूरा करती है। गांव के लोगों में इस बात का मलाल है कि झारखंड गठन के बाद जितनी सरकारें बनी सभी ने आदिवासियों के कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाला, लेकिन आज तक
आदिवासी परिवार अपने पारंपरिक तरीकों के भरोसे ही जीवन जीने को मजबूर है। ये हमारा झरना डाड़ी जो है डाड़ी टुंगरी में हम लोग अपना श्रम दान से डाड़ी हम लोग बनाए थे कितने साल के पहले, और इधर 16-17 में हम लोग फिर मुखिया फंड से हम लोग इधर मैंने थोड़ा सा बना दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग का यही परिस्थिति है जो कि यही पानी से हम लोग सारा गांव वाला जो भी घर बनाते हैं शादी विवाह और नाना प्रकार का काम होता है यही मैंने डाड़ी से ही हम लोग काम निकालते हैं। वैसा पानी का साधन पानी का जगह वैसा शोर्त कहीं नहीं हम लोग का है। सिंचाई भी होता है? हाँ सिंचाई भी होता है, थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा धान उन लगा देते हैं उससे बहते पानी जो निकलता है उसमें नीचे भी खेती होती है। सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि अगर झरना हमारा झरना डाड़ी अगर सिंचाई रूप से बढ़िया सुचारू रूप से अगर बढ़िया बनने के बाद हम लोग का यहाँ मैंने सिंचाई का भी काम आवे, हम लोग का पीने का भी पानी समय पर काम आवे, हम लोग यही चाहते हैं। पेंड्रा बांध टोला है और यहाँ सामने एक यहाँ से हाफ किलोमीटर दूरी पे झरना उटू टुंगरी नाम का एक ही है। वहाँ हम लोग बहुत पहले कुइयाँ का व्यवस्था किया गया था लोगों के द्वारा, फिर 2 साल बाद मुखिया का संज्ञान में आने के बाद मुखिया जी ने उस कुआँ को मरम्मती करके अच्छा खासा रूप दिए हैं। और अगर इस और अभी फिलहाल लगातार इस कुएँ से पानी का बहाव लगभग हो रहा है और जिससे 2-2.5 एकड़ में अभी खेती हो रहा है। अगर इसको हम लोग एक बड़ा रूप दे सकते हैं चेक डैम के तौर पर अगर हो जाएगा यह कुआँ तो लगभग इस क्षेत्र में कृषि बहुल क्षेत्र पहले से भी है और कृषि प्रधान देश है, और जब यह चेक डैम बन जाएगा तो यहाँ के लोगों का जीवन यापन सुधरेगा और करीब तकरीबन 30 से 40 एकड़ में खेती भी होगा और लोगों को पानी का भी सुविधा मिलेगा। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इस पर यथाशीघ्र पहल करते हुए इसको चेक डैम बनाने का कृपा करें और यहाँ के किसानों को हमारे भाइयों बहनों को एक अच्छा खासा जीवन यापन करने में स्वरोजगार का भी व्यवस्था हो। भाकपा माले ने महाराष्ट्र में हुए दर्दनाक मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में शनिवार को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। भाकपा माले ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी के चपेट में आने से मजदूरों के दर्दनाक मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में शनिवार को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव ने सरकार से घटना की जिम्मेवारी तय करते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पीएम केयर फंड से सभी प्रवासी मजदूरों की सकुशल घर वापसी तथा 10,000 कोरोना भत्ता देने की मांग की है। राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत शोक और धिक्कार दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत कल जो महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के दौरान दर्दनाक घटना हुई जिसमें मालगाड़ी की चपेट में 16 मजदूर मारे गए, उसके एक दिन पहले जो गैस रिसाव के कारण 11 मजदूर मारे गए, और हर दिन हम लोग सुन रहे हैं लॉकडाउन के कारण परेशान मजदूर उनकी लगातार मौत हो रही है, ये पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। हम इसमें कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने प्रवासी मजदूरों को और बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किया उसके कारण जो लोगों की जिंदगियां तबाह हुई, एक तरह से केंद्र सरकार ने मजदूरों को कमाने खाने वालों को मरने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए आज हमारी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे देशव्यापी हम लोग शोक और धिक्कार दिवस मनाते हुए यह मांग करते हैं कि जो भी मजदूर जहाँ हैं जो घर जाना चाहते हैं हर हालत में उनको सुरक्षित घर वापसी किया जाए, इसके लिए पीएम केयर फंड में जो पैसा जमा है उसका उपयोग किया जाए, साथ ही जो मजदूर लौट रहे हैं उनको प्रति मजदूरों के परिवार पर 10,000 रुपया कोरोना भत्ता दिया जाए पीएम केयर फंड से। ये तमाम मांगों को लेकर के और हम लोग उन मजदूरों के मृतात्मा की शांति के लिए हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और शोक और धिक्कार दिवस के तहत आज राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम इसी बात को लेकर किया गया है। मेयर की अध्यक्षता में एक बैठक निगम कार्यालय में हुआ। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए सभी वार्डो की साफ सफाई पर चर्चा की गई। ग्रीडी नगर निगम के मेयर सुनील पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुआ। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए सभी वार्ड में सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया
और सभी वार्ड में जीवाणु रोधी छिड़काव का भी निर्देश मेयर ने दिया। बैठक में डिप्टी मेयर प्रकाश राम, रजनीश लाल, अजीत राय, लखन शर्मा, सब्बीर अंसारी, मोहन वर्मा उपस्थित थे। आज शहर में सफाई, साफ सफाई को लेकर के इसकी एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हमारे डिप्टी मेयर भी मौजूद थे और साथ में हमारे सभी सर्किल पदाधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक और सिटी मैनेजर। तो ये समीक्षा के क्रम में अभी शहर की साफ सफाई अच्छे ढंग से की जा रही है और सुबह शाम गाड़ियों से सफाई किया जा रहा है, सारे जगहों पर सैनिटाइजर कराया जा रहा है और सैनिटाइजर के साथ साथ फॉगिंग गाड़ियां भी हमारी चलती है निगम की ओर से कंटिन्यू। पुनः फिर एक बार हमारा शहर गिरिडीह जो है ग्रीन जोन में आया है, हम पुनः अपील करना चाहेंगे और इसमें सभी के सहयोग से ही हम लोग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़के बाहर निकल सकते हैं। हमारा शहर अभी ग्रीन जोन में है तो शहरवासी से अनुरोध है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, नियमित हाथों की सफाई, हाथ को साबुन से धोएं, कुछ भी छुएं साबुन से धोएं और सैनिटाइजर लगावें, साबुन से हो सैनिटाइजर हो और मास्क लगा के ही निकलें, बाहर निकलने का काम करें। कि कोविड-19 को लेकर और साफ सफाई के लिए नगर निगम के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा था, अभी ऑरेंज जोन से गिरिडीह ग्रीन जोन में आया है और यह जो सफाई का ड्राइव चल रहा था, हम लोगों ने आज निर्णय लिया है बैठक में समीक्षा के उपरांत कि जो जो भी हमारा काम चल रहा था, चाहे सैनिटाइजिंग करने का काम हो, फॉगिंग मशीन चलाने का काम हो, नली की सफाई करने का काम हो, यहाँ या कहीं भी गंदगी है जहाँ डंप है उसको हटाने की बात हो, ये सारा ड्राइव हमारा पूर्वक चलते रहेगा ताकि नगर निगम के अंदर कहीं भी कूड़ा कचरा या गंदगी नज़र नहीं आए। हालांकि 30 वार्ड से लेकर 36 वार्ड तक यह जो 6 नए वार्ड जुड़े हैं वहां कुछ कठिनाइयां आ रही है, संसाधन का भी कुछ अभाव रहने के कारण हम पर्याप्त मात्रा में वहां सफाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उस पर भी हम लोगों ने निर्णय लिया है और विभाग से रिक्वायरमेंट मांगा है कि जो जो भी कमी है उस वार्ड में जो दिया जाना है उसका रिक्वायरमेंट लिस्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराएँ ताकि वो 6 वार्डों में भी और सफाई के काम बाकी वार्डों की तरह ही चले। गांव प्रखंड के करडिया गांव के लोग आज भी ढिबरी युग में जी रहे हैं। वर्षों पहले इस गांव में पोल और तार तो लगाया गया लेकिन कभी बिजली नहीं पहुंची। झारखंड गठन के 20 वर्ष हो चुके हैं। जिन सपनों के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था वो सपना आज तक अधूरा ही है। गिरिडीह जिला के गावा प्रखंड से महज 14 किलोमीटर दूर ककडियार गांव जिसका उदाहरण है, यहां के लोग आज भी ढिबरी युग में जी रहे हैं। सरकार के विकास के सभी दावे यहां आकर झूठा साबित हो जाता है। गांव में बिजली पहुंचाने के लिए बिजली पोल गाड़कर भारी भरकम राशि खर्च की गई लेकिन बिजली अभी तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीण आज भी लांटेन के प्रकाश में ही अंधेरी रातों में जिंदगी गुजार रहे हैं और बच्चों का भविष्य पढ़ाई नहीं कर पाने से अंधकारमय हो गया है। इतना दिन से लाइट नहीं आया यहाँ, दो दिन का तो एक साल से पहले, एक साल दो साल से पहले ही धीरे। पोल कितना दिन से जो है सो लगा हुआ है? लगा हुआ 2 साल हो गए। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया लेकिन लाइन नहीं दिया अभी तक ना। आप लोग कैसे रहते हैं रात में? बच्चा जो कैसे पढ़ता है? अंदर में रहते क्या करेंगे, अंधेरा में। अंधेरा में बच्चा जो पढ़ता है अंदर में पढ़ते कैसे पढ़ेगा? कितना दिन से आया ये बिजली बिजली तार लगल है? 2 साल के हो। 2 साल लेकिन अभी तक लाइन नहीं आया है। और तो आपका शुरू से अभी तक कभी भी लाइन आया नहीं है? कभी भी लाइन नहीं आया आपके गांव में? नहीं। कितना दिन से लाइन है नहीं आया यहाँ पर? कभी लाइन आया है शुरू से? नहीं। कभी लाइन नहीं आया आप लोग गांव में? ये तार और जो है लगा हुआ है, खाली लगा के छोड़ दिया है और लाइन नहीं दिया ना। नहीं। तो बच्चा बच्चा कैसे पढ़ता है आपका घर में? शाम में नहीं पढ़ता है ना? डीवी उड़ी जलाते है ना? यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।